भाई साहब ये ओवरडोज हो गया। मिर्जापुर सीजन 3 ड्रॉप आउट हो चुका है, जिसके लिए बहुत वेट कर रहे थे भाई, वो घड़ी आ गई है। वो मिर्जापुर वेब सीरीज जो इंडियन सिनेमा में रिवोल्यूशन का काम करके गई थी भाई। पहले ही बता दो स्टार्ट करने से पहले कि रिव्यू थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि 10 एपिसोड हैं और 10 एपिसोड को मैं 2.5 से 3 मिनट में निपटा दूं तो भाई साहब पूरे मिर्जापुर की तौहीन होगी, जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ब्रीफली बात करेंगे विदाउट एनी स्पॉइलर, कि यहाँ पर कोई स्पॉइलर आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ जिस चीज की बात होनी चाहिए, जिसके बेस पर भाई साहब मिर्जापुर को फॉर्म कराया गया है और जिसके लिए इतना वेट करते हैं बाबा, इसके लिए खुल के तो बात कर ही सकते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत है, इसके लिए एक अलग ही प्यार है भाई। मिर्जापुर नाम सुनते ही ऐसे आइकॉनिक करेक्टर हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं, जो अपनी लिखाई के लिए ही जाने जाते हैं। जिस हिसाब से भाई ये कहानी हमें वहाँ देखने को मिली थी सीजन 1 एंड सीजन 2 में, क्योंकि ऐसी कहानी हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, इतना रियल एंड गोर एंड वायलेंस, सब कुछ क्रिमिनल, ऐसी बहुत कुछ हम देख के भी आ चुके थे, लेकिन वो गोर, वो वायलेंस, वो सब कुछ टॉक्सिकनेस, वो ब्रुटैलिटी भाई सब, ह्यूमैनिटी जो शर्मसार हो जाए, वो सारा चीज़ खुल के दिखाया गया है, जो एज इट इज़ भाई चलता है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ फिल्टर में दिखाई गई हैं, जो चीज़ चल रही हैं वैसे ही एज इट इज़ दिखाने की हर बार कोशिश करिए, चाहे सीजन 1 की बात कर लो, सीजन 2 की बात कर लो, और वही चीज़ वही लेगेसी सीजन 3 में भी फॉलो करते नज़र आए हैं मेकर्स एंड डायरेक्टर साहब। भाई साहब सीजन 3 भी वही मार्वलस की पॉइंट्स अपने साथ कैरी करता है, वो लिखाई, वो राइटिंग, वो डायरेक्शन, और वो गोर, वो फाइट, वो वायलेंस, वो टॉक्सिक, वो ब्रुटैलिटी, सब कुछ। लेकिन एक चीज़ सीजन 3 ये बता के गया है कि भाई साहब जिस हिसाब से आप मिर्जापुर को, इस कहानी को पसंद करते हैं, वो चीज़ लाइक कैरेक्टर्स का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था, ओवर डोमिनेंट चल रहा था, लाइक मुन्ना भैया का कैरेक्टर जब सीजन 2 एंड हुआ था और मुन्ना भैया को ख़त्म कर दिया गया था, तो लोगों के नज़र में और सबके दिलो जहन में बात ये थी कि भाई सीजन 3 में आखिर ये लोग दिखाने क्या वाले हैं, क्योंकि जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो तो इन्होंने तोड़ दी है, लेकिन भाई उनके मुंह पे तमाचा मार के गई है। इन माय विजन भाई जिस हिसाब से स्टोरी दिखाई गई है, क्योंकि एक जो तीन कैरेक्टर थे, कालीन भैया, गुड्डू भैया, इन तीन के बेस पर जो सीजन 2 चला है, और इन्हीं के बेस पर भाई क्यों मिर्जापुर का नाम आता है, तो इन तीनों की शक्ल अपने आप सामने आ जाती है, इन तीनों को देखने के लिए लोग अपने आप मचलते रहते हैं, लेकिन सीजन 3 पे बिल्कुल बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, आपको लगेगा कि भाई साहब इन्हीं के बेस पर है, नहीं, इसके अलावा भी मिर्जापुर की कहानी हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं और आपको वो पसंद भी आएगी। यस, एंगेजिंग थी पूरी कहानी, सारी जो स्टोरी राइटिंग करी गई है भाई साहब, बहुत से ऐसे जो छोटे मोटे कैरेक्टर्स थे जो सीजन 1 एंड सीजन 2 पे इतना ज्यादा उन्हें तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन सीजन 3 पे फुल पूरा स्क्रीन टाइम दिया गया है, अच्छा खासा चेहरा उनका इस्तेमाल करा गया है। लाइक शरद शुक्ला की बात कर लें तो शरद शुक्ला को एज, मैं कहूँगा भाई, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, एज फेस के रूप में इस्तेमाल किया है, और यस ये कनेक्ट होने लग जाता है भाई, एक बार के लिए ये मेरी नज़र में रिप्लेस करने लग गया था मुन्ना भैया को। और ट्रूथली ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, पूरी सीजन में, पूरा सीजन जो 10 के 10 एपिसोड मैंने ख़त्म करे हैं भाई, इसमें कहीं से कहीं तक मुझे मुन्ना भैया की कमी कहीं से कहीं तक नहीं खली है, और सिर्फ उसकी नहीं भाई, कालीन भैया की भी कमी नहीं खली थी, क्योंकि पूरे सीजन में आपको कालीन भैया भी नहीं देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड एपिसोड में कुछ एक छोटी मोटी झलकी देखने को मिलेगी, लेकिन भाई लास्ट का जो एंडिंग एंड क्लाइमेक्स पार्ट है वहाँ सारा गेम पलट के रख दिया, क्योंकि एक ही पेस पर कहानी चलती है, और वो पेस भाई ऐसा लग रहा था कि यार एंडिंग पे इनके पास दिखाने के लिए आखिर होगा क्या, क्योंकि लास्ट में यस 8वें या 9वें एपिसोड में पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि अब ये कहानी खींचने वाली हो रही है, और इनके पास मुझे नहीं लग रहा कि क्लाइमैक्स दमदार है, लेकिन भाई इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने स्टोरी बिल्डअप करी थी, जिन कैरेक्टर के बेस पर, वो कैरेक्टर इतने इंपॉर्टेंट लग रहे थे कि इन्हें ये आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, लेकिन उनकी क्या औकात है, उन्होंने झट से दिखा दी। और वहाँ पर माधुरी यादव की अगर बात करें तो भाई माधुरी यादव को भी ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रखा है, देन उसके बाद जेपी यादव का भी इस्तेमाल कर रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन जेपी यादव को जैसा चूतिया वहाँ दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक अलग एंगल में दिखाया गया है। देन उसके बाद त्यागी की बात कर लें भाई साहब, छोटे त्यागी जो ट्रेजेडी, अगर आपने सीजन 2 देखा है तो जो ट्रेजेडी हुई थी आपस में, जिसमें से बड़े, मतलब बड़ा जो भाई है वो मारा गया था, एंड छोटा जो भाई है वो अपना बड़ा भाई बन के जी रहा है, तो वो उसका रोल भी जबरदस्त है, वो गोर एंड वो टॉक्सिकनेस उसकी तरफ से भी जबरदस्त देखने को मिली है। एंड तीसरा भाई जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करके गया है खासकर मुझे, वो गोलू गजगामिनी का कैरेक्टर, जो कालीन भैया की याद बिल्कुल भी नहीं दिला के गया, क्योंकि कालीन भैया का क्या काम होता है, एक एक्सपीरियंस, वेल मैच्योर्ड,
तजुर्बा जो हर बार उनको काम आता है, वो डिप्लोमेट तरीका जिससे वो कनेक्ट करते हैं पीपल को, क्योंकि डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, दैट्स वाई कि भाई एक लीडर वहाँ पर स्टैब्लिश हो पाता है। और गोलू का वही काम था हर बार डिप्लोमेसी को बरकरार रखना, क्योंकि गुड्डू पंडित तो अपना बस वायलेंस एंड वायलेंस है, अपना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करता नहीं है, लेकिन ब्रेन के यूज में भाई साहब गोलू ने जो काम किया है वहाँ पर वो काबिले तारीफ था। मेंटेन करने का काम एंड बैकबोन के रूप में इस्तेमाल, भाई मुझे गोलू का बहुत सॉलिड कैरेक्टर देखने को मिला है, क्योंकि दो तीन ऐसे एस्पेक्ट देखने को मिले कि भाई यस गोलू अगर नहीं रहेगी तो गुड्डू पंडित अपना खत्म है, और वो चीज़ बीच में भी देखने को मिली एक बार के लिए, लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद गुड्डू पंडित दोबारा से ओवर डोमिनेट करते हैं, देन उसके बाद जब गोलू को किडनैप कर लेता है त्यागी, खैर ये स्पॉइल दे दिया मैंने, क्यों करता है क्यों नहीं वो आपको भी पता होगा, और इसके बीच में और क्या क्या कहानी होने वाली, भाई बहुत कुछ चेंज हुआ, एकदम से सारा चेंज हुआ, गुड्डू पंडित की पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाद दिमाग लगाने वाला कोई बंदा था नहीं, कोई डिप्लोमेट बंदा था नहीं जो इस डिप्लोमेसी को संभाल सके, लेकिन शरद शुक्ला जिस हिसाब से भाई आगे बढ़ रहा था उसके पास डिप्लोमेसी के लिए कालीन भैया थे जो एवरी टाइम उसको मदद कर रहे थे हर एक स्टेप लेने में, कैसे तुम्हें फॉर्मेट करना है कैसे नहीं फॉर्मेट करना है, और लेकिन जो एंडिंग हुई है भाई वो अलग हिसाब की एंडिंग हुई है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, क्योंकि जिस हिसाब से प्लॉटिंग कर रहे थे उस हिसाब से लग रहा था कि ये कैरेक्टर अब ये इंपॉर्टेंट बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ इनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए कुछ तो नया चाहिए ही चाहिए। भाई साहब मैं एक बात बताऊँ, सीजन टू जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था इन्होंने वही लाकर खड़ा कर दिया इसको, सीजन टू में जो भी कहानी चली, सीजन थ्री में जो भी कहानी चली, जो सीजन टू की स्टार्टिंग थी वो सीजन थ्री की एंडिंग पे खत्म होती है, जो सीजन थ्री का एंडिंग जहाँ खत्म हुआ वो सीजन टू की स्टार्टिंग हो गई दोबारा से, वही सारी चीज़ें फिर से वेल फॉर्म्ड हो गई, तो ये चीज़ भी ज़बरदस्त लगी। खैर इनके पास कहानी ज़्यादा होगी नहीं फिलहाल, ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि सीरीज बोर थी या कुछ थी, लेंथी है लेकिन भाई मज़ा आएगा, एंगेजिंग है, कहानी दमदार है, एक एक चीज़ दमदार दिखाई गई है, सारे कैरेक्टर्स का अच्छा इस्तेमाल कर रखा गया है, कालीन भैया का पूरा कैरेक्टर पूरी वेब सीरीज में इतना हेल्पलेस दिखाया गया है कि यार ये वही बाहुबली है जो सीजन वन एंड सीजन टू पर डोमिनेट कर रहा था, भाई आपको दया आने लग जाएगी उस पर कि जिस हिसाब का वो बीच में दिखाया गया, लेकिन लास्ट में उसने वो औकात दिखाई और वही स्टैब्लिश करते दिखाया कि भाई अभी हम जिंदा हैं, त्रिपाठी ऐसे ही नहीं जानते हैं कालीन भैया को, वो दिमाग वो सब कुछ इस्तेमाल करना, शरद शुक्ला को वो एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था जो ऐसी इंपॉर्टेंस उसे दे रखा था कि भाई तुम वजीर हो, तुम्हारे अलावा और कुछ हो ही क्या सकता है, मेरा तो कोई नामो नहीं, मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है, कालीन भैया इस हिसाब का वो कैरेक्टर की लिखाई करी गई है डायरेक्टर एंड मेकर्स के द्वारा। भाई सब डायरेक्शन एज यूजुअल जो सीजन वन सीजन टू पे है वही डायरेक्शन वही लेगेसी इसमें भी फॉर्म होते नजर आई, तो इस पर कोई बात करेंगे नहीं फिलहाल। जो वायलेंस भाई साहब सीजन वन सीजन टू में देखने को मिली वो वायलेंस इसमें भी देखने को मिली, और बहुत हद तक भाई गुड्डू पंडित जिसे वायलेंस फुल पसंद है वो अपनी ही वायलेंस से घबरा जाता है, वो मैच्योरनेस देखने को मिली जहाँ पर एक के बाद इंसान जाके सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है कि भाई मैं गुस्से में किस हद तक पहुँच जा रहा हूँ और मेरे अंदर भी वो शैतान है क्या, वो गुड्डू पंडित के अंदर देखने को मिला। देन उसके बाद जब वो जेल में चले जाता है और भाई ये होता है फाइट एंड एक्शन को सूट करने का कि एक वो जो गुड्डू पंडित है भाई वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसे भी डर लगता है, उसकी भी फटती है, जैसे उसने 5-6 लोगों को मारा लेकिन भाई उसके वो अग्रेसिवनेस भी देखने को मिल रही थी, लेकिन उसके अंदर से फट भी रही थी कि भाई ये अब मुझे मार डालेंगे, वो डर भी जबरदस्त देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बेस पर रिटालिएशन जो चल रहा था, खुद को डिफेंस कर रहा था, सेल्फ डिफेंस एंड ऑफेंसिव हो रहा था, वो एक एक चीज दमदार लगी भाई। तो भाई मिर्जापुर सीजन 3 देखो, मैं तो कह रहा हूँ जरूर देखो, क्योंकि इसके लिए तो आप लोग वेट कर ही रहे होगे, तो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। बाकी भाई मिर्जापुर सीजन 3 को मेरी तरफ से 4 स्टार 5 आउट ऑफ यहाँ तक पहुंच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।